हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में लगातार चेंजेस करता रहता है, उसे अपडेट करता रहता है और उसकी जो यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें भी लगातार अपडेट होते रहते हैं। मतलब 6 महीने पहले पॉलिसीज में कुछ और चेंजेस होते हैं और 6 महीने बाद उसमें और ज़्यादा अपडेट हो जाते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं और उसमें भी अगर आप एक नई यूट्यूबर हैं तो आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसकी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एक पुराने यूट्यूबर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है, तब भी आपको यूट्यूब की जो नई पॉलिसीज जो इस टाइम करंटली वर्क कर रही है उसके बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए और पता रहना चाहिए कि अब इसमें क्या क्या रूल्स आ रखे हैं और ज़्यादा कठिन हो गई है अब की जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ ये 2022 में इसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें मैंने अपने एक डमी चैनल से लॉगिन कर किया हुआ है, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले नए क्रिएटर्स को जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है उनको उनको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन का टैब है, ये मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आना है। तो मैं इसकी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का ये वॉच टाइम है। पहले केवल यही पूरा करना होता था और आप अप्लाई कर सकते थे मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन अब यहाँ पे दो और ऑप्शन इसमें ऐड हो गए हैं, आप देख सकते हैं नीचे। टू स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपने चैनल पे जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जीरो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब आपके चैनल के ऊपर कोई भी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ये 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम है, आपका 1 साल में ही पूरा होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी यही था अब भी यही है, ठीक है। इसमें बस ये दो ऑप्शन ऐड हुए हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है, ठीक है। ये वो इशू हैं जो आप इनकी कंटेंट पॉलिसी होती है उसको वॉयलेट करते हैं, ठीक है, यूट्यूब की, तो आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। आप किसी और का कंटेंट यूज़ करते हैं तो आती है आपके, ठीक है। व्हाट इफेक्ट्स योर एलिजिबिलिटी, इससे आपकी एलिजिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं। तो जो भी आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी वो आपको यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करने देगी, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज ही नहीं सकते जब तक वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं हटती। और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एन एक्टिव स्ट्राइक, इसमें लिखा बता रखा है कि एक्टिव स्ट्राइक आती है तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको जब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाती, 90 डेज तक रहती है जो भी स्ट्राइक आपके आती है कम्युनिटी गाइडलाइन की, तो 90 डेज के बाद वो अपने आप हट जाती है और उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चारों चीज़ें फुलफिल करने के बाद ही आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन करवाने के लिए भेज सकते हैं। तो नए क्रिएटर्स को ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है क्योंकि ये नया अपडेट है इसमें YouTube मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें। और अब जो पुराने क्रिएटर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है तो उनके लिए भी YouTube में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज़ में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब चलते हैं, जहाँ हम वीडियो अपलोड करते हैं उस पेज पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एड सुटेबिलिटी का आपको ऑप्शन दिखाई देता है जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र से, या मोबाइल में भी क्रोम ब्राउज़र से करते हैं, तो आपको ये यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, वी हैव अपडेटेड आवर गाइडलाइन टू क्लेरिफाई आवर पॉलिसीज ऑन अडल्ट कॉन्टेंट, वॉयलेंस, शॉकिंग कॉन्टेंट, हेटफुल कॉन्टेंट, सेंसिटिव इवेंट्स, ड्रग्स एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो यहाँ पे इनका ये अपडेट है कि इन्होंने और ज़्यादा इसे मतलब कैटेगराइज कर दिया है एड सुटेबिलिटी, इसमें एक ऑप्शन आ जाता है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी में है ये, ठीक है। तो जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद जब आपके चैनल पे एड चलने लगती है तब आपको ये ऑप्शन शो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे,
यहाँ पे पांच चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, पांच से भी ज़्यादा हैं। तो ये इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है सबसे पहले, अगर आपने अपनी वीडियो में इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ की है, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप गाली वाली इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं डिटेल में। तो आपने अगर उसमें यूज़ की है तो आपको इसे टिक करना होगा इस तरीके से, और फिर सबमिट करनी होगी अपनी रेटिंग को। ठीक है, इसको अभी मैं अनटिक कर देता हूँ, बाद में कर दूंगा, नीचे से हो जाएगा ये अनटिक यहाँ पे, यहाँ से नन ऑफ अबव, यहाँ से ये सारा अनटिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ऊपर आ जाते हैं वापस। यहाँ पे सबसे पहले तो है इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज अगर यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है। उसके बाद एडल्ट कंटेंट यूज़ करते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का बिहेवियर, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, एडल्ट जो भी हैं, और इसको यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह को कैटेगराइज कर रखा है, जिस तरीके का आपका जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जिस तरह का बनाया होगा आपने। ठीक है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन है, इसमें एडल्ट कंटेंट है। उसके बाद वॉयलेंस, अगर आपकी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई गई है कि जो हर्ट है, डैमेज, इंजूरी के बाद ऐसी सिचुएशन है, तो आपकी वीडियो वो भी इस पर भी कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है आपकी वीडियो के ऊपर। उसके बाद शॉकिंग कंटेंट है, सिचुएशन डेट में अपसेट, डिसग्यूज्ड और शॉक व्यूअर्स, जो शॉक कर देती है वीडियो से एकदम से, उस टाइप की वीडियो है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इन्हें। ऐसे वॉयलेंस में भी आप डिटेल में है, कैटेगराइज कर रखा है इन्होंने डिटेल में। उसके बाद अगर आपकी वीडियो में कोई हार्मफुल और डेंजरस एक्ट दिखाया गया है, ठीक है, तो भी आपका तो आपको यहाँ पे ये कैटेगराइज है उसके लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का कॉन्टेंट भी यूट्यूब पर नहीं चलेगा, ठीक है, उस पर भी स्ट्राइक आ सकती है। उसके बाद रिक्रिएशनल ड्रग्स से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो उस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके उसमें वीडियो के अंदर। इनेबलिंग डिसोनेस्ट बिहेवियर, ठीक है, ये भी है यहाँ पे कि अपनी वीडियो में अगर आपका बिहेवियर डिसोनेस्ट होगा तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपकी वीडियो में, हेटफुल और डेरोगेटरी कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही फायर आर्म्स रिलेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, जो शोइंग और डिस्कशन ऑफ रियल और फेक गन्स के बारे में जो बताते हैं वो सब नहीं होना चाहिए, इन सब को ये एलो नहीं करता। इसी तरीके से सेंसिटिव इवेंट्स हैं, इस चीज़ को भी ये एलो नहीं करता। ठीक है, जो वार, डेथ और ट्रेजडी वाला इवेंट्स दिखाते हैं, आप इनको डिटेल में सबको पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोवर्शियल इशू हैं, उसके लिए भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, आप देख सकते हैं सारा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो ये इसकी पॉलिसीज हैं जो नया अपडेट हुआ है इसमें यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में। अगर इसमें से कुछ भी आपकी वीडियो में है तो आप उसको टिक करके ही रेटिंग को सबमिट करें डायरेक्टली, नो यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है नन ऑफ अबव, डायरेक्टली इस पे क्लिक करके सबमिट नहीं करना। ठीक है, अगर आपकी वीडियो में इस रिलेटेड कुछ नहीं है तब आपको नन ऑफ अबव करना है और यहाँ पे आपको सबमिट रेटिंग पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सबमिट हो जाएगा। तो ये थी यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है 2022 में, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गई है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें और ऐड हो गई हैं। अगर आपकी वीडियो में इस तरह का कॉन्टेंट है तो वो आगे मोनेटाइज नहीं होगी वो वीडियो, ठीक है, उस पर स्ट्राइक ज़रूर पड़ेगी यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा वो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको जाननी ज़रूरी थी। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा कि YouTube मोनेटाइजेशन की जो भी पॉलिसी है वो 2022 में किस तरीके से वर्क कर रही है। अभी करंटली तक आपको मैंने जो बता दिया है, जो भी इसमें अपडेट है नए, उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।